तो इसमें अ बॉडी ऑफ मास 4 kg, ये रहा 4 kg की बॉडी है, और इनिशियली एट रेस्ट u इज इक्वल टू 0 इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स ऑफ 16 न्यूटन, 16 न्यूटन की फोर्स है. व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड? तो 10 सेकेंड के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? अगर आप मुझे वेलोसिटी बता दें तो मैं आंसर बता दूंगा. तो इसके लिए फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाएं. 16 इज इक्वल टू 4 इंटू ए करें तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 4 m/s का स्क्वायर. तो आप यहाँ पर अब v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाएं. v इज इक्वल टू यू क्या है? 0. एक्सेलरेशन क्या है? 4. टाइम क्या है? 10. तो आंसर क्या आएगा? 40 m/s. तो आप काइनेटिक एनर्जी लगा दें हाफ एम वी स्क्वायर. तो हाफ इंटू मास 4 है, वेलोसिटी 40 का स्क्वायर है. निकाल लें इतने जूल इज द आंसर. वो भी हो जाएगा, पर जरूरत क्या है? इससे आसान क्या होगा? जब तुम वी बता दोगे तो हाफ एम इसमें से आंसर आएगा. कर सकते हो तुम, तो वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हो. पर क्यों इतना जरूरी क्यों है? है ही नहीं, वी निकल गया, बात खत्म हो गई. कुछ तो पुरानी नॉलेज का फायदा होगा ना मोशन का. तो इतना बड़ा मोशन किया था, कम से कम वी तो निकाल ही सकते हैं. ठीक है यहाँ तक. नेक्स्ट क्वेश्चन आपने ये करना है, बुलेट वाला. इसे ट्राई करें. का आंसर आया और कैसे आया? हाफ वर्क डन इज हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर. अच्छा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2s लगाया. दो तरीके, कई लोगों ने वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई होगी, अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और कईयों ने काइनेमेटिक्स लगाया होगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2s से आगे इक्वेशन को सॉल्व किया होगा. दोनों मेथड ठीक हैं. मैं वर्क एनर्जी थ्योरम से ही करना पसंद करूंगा. तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे देखता हूं, जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी तो मैं ये मेथड फॉलो करूंगा. मुझे इसका मास पता है 10 ग्राम, तो 10/1000 kg इसका मास है. एक बुलेट है, ये बुलेट है, और ये कितनी वेलोसिटी से चली? 800 m/s से ये चली. एंड आफ्टर पासिंग थ्रू अ मड, तो ठीक है, ये एक मिट्टी में चली गई, मान लो ये मड है, और मड कितनी है? 1 m तक मड ही मड थी. इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 100 हो गई. तो ये बाहर निकली, इसकी वेलोसिटी 100 m/s हो गई. तो आपको बताना है कि रास्ते में मड ने कितनी फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर की या रेजिस्टिंग फोर्स ऑफर की, एक ही बात है. इसकी वेलोसिटी बुलेट की यहाँ से आते आते कम हो जाएगी. क्यों कम हुई? क्योंकि मड ने अंदर क्या ऑफर की? रेजिस्टिंग फोर्स ऑफर की, जिसको आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं. हाँ, ये सॉलिड फ्रिक्शन से हटके है, पर कुछ तो रेजिस्टिंग फोर्स है, तभी इसकी वेलोसिटी कम हुई.
मैंने आपको ये क्या करवाया, मैंने आपको ये करवाया कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। देखो आप इसकी चिंता ना करें कि आपका आंसर नेगेटिव आ गया, क्योंकि पहले एनर्जी जो है वो ज़्यादा थी, बाद में कम हुई है। ये कम हुई है क्योंकि फोर्स, क्योंकि वर्क डन किसने किया इसको रोकने के लिए, रेजिस्टिंग फोर्स ने। तो मैंने नहीं किया, इस बार मेरी कोई फोर्स नहीं है, इस बार रेजिस्टिंग फोर्स है जो इसके ऊपर वर्क डन करेगी। तो वर्क डन बाय रेजिस्टिंग फोर्स इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क डन अगर कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स करेगी वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। तो मान लो रेजिस्टिंग फोर्स ने कितना काम किया, एफ, और कितने डिस्टेंस तक किया, वन। तो हमने शॉर्टकट किया था, अगर फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन कभी भी कैलकुलेट करना हो तो सीधा माइनस एफ इंटू एस करेंगे, क्योंकि वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। तो सॉल्व कर लो ना, यहाँ से एफ आ गया एक लाइन में, एक सेकंड में आंसर, क्योंकि ये आंसर नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव नेगेटिव आपस में अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, एफ की वैल्यू आएगी, आंसर मार्क कर लो। तो आज के बाद अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी तो वर्क एनर्जी थ्योरम से एक मिनट में सॉल्व हो जाएगी। कोई डाउट इसमें? ठीक है, यहाँ तक ये फोर्स निकलेगी तो न्यूटन आएगी ना, नहीं ये जो आंसर आया इससे एफ की वैल्यू आएगी, एफ है तो फोर्स ना, मैंने कॉन्सेप्ट वर्क का यूज किया, निकाली तो फोर्स ना। ठीक है, समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका। अब एक काम करें, इसी के ऊपर ये क्वेश्चन सेम है, अब वुडन प्लैंक के अंदर ये बुलेट एंटर करेगी, अब देखो कैसे करेंगे। अब ये ट्राई करो, कितनों का आंसर आया इसमें, आ गया वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें एक शॉर्ट ट्रैवलिंग एट अ रेट ऑफ 100, तो एक बुलेट है 100 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल करता है, इज जस्ट एबल टू पियर्स अ प्लैंक, प्लैंक के अंदर एंटर करता है, 4 सेंटीमीटर थिक का मतलब, जस्ट एबल का मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो, यहाँ पे आके रुक जाता है। ये आपका केस नंबर वन है। केस नंबर टू, वो कह रहा है कि इस केस में बताओ कितनी वेलोसिटी से बुलेट एंटर करे ताकि कहाँ पे, कितने डिस्टेंस पे रुक जाए, 9 सेंटीमीटर पे रुक जाए, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब कौन रोक रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, रेजिस्टिंग फोर्स या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या रेजिस्टिंग फोर्सेस की वुड की। तो वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंगली फाइनल काइनेटिक तो जीरो है, इनिशियल हाफ एम इंटू 100 स्क्वायर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज वर्क डन बाय रेजिस्टिंग फोर्स, तो वर्क डन बाय रेजिस्टिंग फोर्स कितनी है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव साइन के साथ। क्लियर है यहाँ तक? और दूसरे केस में फिर से वर्क एनर्जी थ्योरम, 0 - ½ × v² इज इक्वल टू माइनस, सेम फ्रिक्शनल फोर्स है लेकिन इस बार 9 सेंटीमीटर पे है ऐसे। तो अगर आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड कर लें आपका आंसर आ जाएगा। डिवीजन में क्या बनेगी इक्वेशन, हाफ एम इंटू 100 का स्क्वायर माइनस हाफ एम इंटू वी का स्क्वायर, एफ इंटू 4 × 10⁻², एफ इंटू 9 × 10⁻²। ये लो सॉल्व कर लें, एम से एम, एफ से एफ कैंसिल, वी निकाल लें, चेक करें आंसर आएगा।
सही है। तो आज की बात अगर प्लैंक वाली प्रॉब्लम आई तो प्लैंक वाली प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व करेंगे जब बुलेट प्लैंक में एंटर करेगा। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? तो इसमें 100 से एंटर हुआ, रुक गया बुलेट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब वर्क डन किसने किया? फ्रिक्शन ने। तो माइनस एफ इन टू फोर वर्क डन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सेम इक्वेशन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस एफ इन टू 9 सेंटीमीटर, डिवाइड कर लो आंसर। तो क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है कि कैसे सोचना है इसमें? तो इन्हें डिवाइड करना आंसर आएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करना है, आज हमने किया भी मोमेंटम और एनर्जी, E इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m, लगाओ फॉर्मूला, E इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। इफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज बाय 20%, तो अगर लीनियर मोमेंटम पहले पी है, अगर लीनियर मोमेंटम पहले पी है, नया लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा? 20%, इसको बढ़ा दो। वैसे ये स्टेप अभी के लिए कर रहा हूं, पर आज के बाद सीधा बोलना 120 बाय 100 इंटू पी ऐसे। तो यहां से पी डैश की वैल्यू क्या जाएगी? 6/5 इंटू पी। तो नया मोमेंटम आ गया, पुराना मोमेंटम अगर पी है तो नया मोमेंटम 6/5 इंटू पी बढ़ गया। तो क्या निकालना है? इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो मान लो पहले काइनेटिक एनर्जी ई है और ई का फॉर्मूला क्या है? पी स्क्वायर बाय 2m। ये रहा केस नंबर वन। अब नई एनर्जी क्या है? नई एनर्जी है ई डैश, जो कि क्या होगी? पी डैश स्क्वायर बाय 2m। तो ई डैश इज इक्वल टू पी डैश की जगह 6/5 इंटू पी का स्क्वायर बाय 2m। तो चेक कर लो, नई एनर्जी आ गई बिकॉज मोमेंटम चेंज है, पुरानी एनर्जी आ गई, नई एनर्जी आ गई। और निकालना क्या है? निकालना है परसेंटेज चेंज इन एनर्जी। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ? ई डैश माइनस ई बाय ई इंटू 100 ऐसे। दैट इज ई डैश बाय ई माइनस 1 इंटू 100। ई डैश हमने निकाल लिया 6/5 पी का स्क्वायर बाय 2m। तो यहाँ पे ई डैश की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ई डैश की वैल्यू पुट कर देते हैं 6/5 पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m डिवाइडेड बाय ई की जगह पी स्क्वायर बाय 2m माइनस 1 इंटू 100। जरा सॉल्व करना इसे, m से m कैंसल, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर, आंसर आएगा कितना? 44%। चेक करना प्लीज, ये तो मैथ्स कर लोगे, ई डैश और ई की वैल्यू पुट कर सॉल्व कर ही लोगे, सब कुछ कैंसिल करने के बाद 44% आंसर आएगा, चेक कर लो। समझ में आ रहा है यहाँ तक कि ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m कैसे काम करेगा? और बहुत आएगा नीट में, तो इसके वर्क एनर्जी पार में एक आध क्वेश्चन तो ऐसा आ ही जाता है परसेंटेज वाला, बहुत आराम से NCERT स्कूल के अंदर भी बहुत आता है ये। मेंस में मुझे डाउट है ऐसा नहीं देंगे वो, मतलब इतना आसान नहीं दे सकते, उम्मीद कम लगती है मुझे। फिर अगला क्वेश्चन कर लें। पुरानी एनर्जी ई है, नई ई डैश है, परसेंटेज की प्रॉब्लम है। इंक्रीज कितनी है? ई डैश माइनस ई। ओरिजिनल कितनी है? ई इंटू 100।
परसेंटेज इंक्रीज इन एनर्जी, ई बाई ई वन है, ई डैश बाई ई, ई डैश पुट कर दो, ई यहाँ से पुट कर दो, फिर सॉल्व कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 100% वाला, हो गया नेक्स्ट 100% आ गया। हाँ जी ठीक है यहाँ तक। तो जैसे इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इंक्रीज बाय 300%, तो कोई मुझे ये बताएगा कि अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मेरी ई है, अब नई एनर्जी 300% के बाद इंक्रीज करने पे कितनी हो गई? 4 टाइम्स ही है। भाई अगर 100 रुपया लगाओगे मार्केट में और डबल होके आते हैं तो कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ? ओ तेरे की भाई, मैंने 100 रुपये लगाए मार्केट में और मेरे को 200 मिले, मेरे को कितने परसेंट फायदा हुआ? बिल्कुल भी नहीं है, नहीं हुआ दोस्त। नहीं नहीं 200 नहीं मिले, 100 के 200 डबल हुए हैं, 100%। अच्छा मैंने 100 रुपये लगाए, अच्छा आराम से जल्दी, ज़्यादा बड़ा पूछ लिया, 100 रुपये लगाए, 20 रुपये का फायदा हुआ, कितने परसेंट बढ़े? 20%। भाई 20% के 20 रुपये हो गए, 50 रुपये मिले, 50%। भाई 100 रुपये मिले तो 100 पे 100 लगा के डबल होने का मतलब होता है 100%। 100 रुपये लगाए थे और मिले 200 नहीं मिले, 300 मिल गए, 200%। और अगर मान लो 300 की जगह 400 मिले तो कितने परसेंट? 300%। तो एनर्जी के साथ तो यही है ना, ई का अगर 4E करोगे तभी तो 300% प्रॉफिट कमाओगे, इंक्रीज तो 300% तभी आएगा। अच्छा ठीक है, आप ऐसा नहीं सोचते, मैं आपको ओल्ड ट्रेडिशनल तरीके सिखाता हूँ। ये एनर्जी ई पुरानी, नई एनर्जी इस पुरानी एनर्जी प्लस कितने? 300% ऑफ। अब ठीक है, ई तो रहेगा ही रहेगा, 300% और बढ़ गया, तो बोलो ई डैश कितना आया? अब ठीक है, अब मैंने प्रूव कर दिया ई डैश कितना है? 4E। अब ठीक है, ठीक है पॉइंट समझ में आ रहा है। तो ई का जब 4E होगा तो परसेंटेज 300% रहेगा। ई तो पहले भी लगा हुआ था ना, ई का 4E हुआ तो इंक्रीज तो 3 हुआ ना। ठीक है, नेक्स्ट है आपको करना क्या है, मोमेंटम का निकालना है। मुझे एक बात बताओ, एनर्जी का फॉर्मूला पी के साथ ये है, तो मोमेंटम इनिशियल क्या था? अंडर रूट ऑफ 2m इंटू ई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मोमेंटम आ गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मोमेंटम आ गया, तो पहले मोमेंटम पी था, इसका मतलब नया मोमेंटम कितना है? नया मोमेंटम होगा पी डैश, या यहां से ऐसे कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं, नया मोमेंटम होगा ई डैश की वैल्यू क्या होगी? पी डैश स्क्वायर बाय 2m, तो पी डैश क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 2m इंटू ई डैश, या पी डैश क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एम इंटू ई डैश क्या है? 4e। तो ये नया मोमेंटम है और ये पुराना मोमेंटम है, सही है? तो नए और पुराने मोमेंटम में ई को आपने 4 टाइम्स कर दिया, बस यही फर्क है, यहाँ पे जो ई था वहाँ पर 4e हो गया। अब आपको परसेंटेज निकालना है, तो क्या निकालना है? परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम, ये निकालना है। तुम्हें पी डैश की वैल्यू पता है, या एक और स्टेप कर लेते हैं, पी डैश बाई पी माइनस 1 × 100, क्योंकि पी बाई पी तो 1 होता है। पी डैश का फॉर्मूला पुट करें अंडर रूट ऑफ 2m इंटू 4e, पी का फॉर्मूला पुट करें अंडर रूट ऑफ 2m इंटू ई माइनस 1 × 100, इसे प्लीज़ कैंसिल कर लें, रूट 2 से 2, m से m, 4 का अंडर रूट 2 है, 4 का अंडर रूट 2 आएगा, बाकी रूट 2m में रूट 2m में आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो चेक करो इसका आंसर 100% आ रहा है, सब कुछ तो कैंसिल हो गया। और अगर ये समझ में नहीं आया, मैथ में प्रॉब्लम है, फिजिक्स प्रॉब्लम नहीं है, अलजेब्रा प्रॉब्लम है, इसको ठीक कर लो, नीट एंड क्लीन करो, नहीं होगा तो मुझसे सॉल्व करवाना। समझ में आ रहा है यहाँ तक? हो जाएगा तो इसे एक बार ट्राई करो और वैल्यूज पुट करो और खुद करने की कोशिश करो, आंसर आएगा। मेथड समझ में आ रहा है, एनर्जी और मोमेंटम में कैसी प्रॉब्लम आती हैं?
ठीक। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये गिवन है, एक बॉडी है जिसका मास 0.3 केजी है। इस बॉडी को हम ऊपर लेके जा रहे हैं इंक्लाइन प्लेन पे, एंड कितनी लेंथ पे? 10 मीटर लेंथ पे। कितनी हाइट पर? 5 मीटर हाइट पर। देन अलाउड टू स्लाइड, इसको फिर नीचे आने देते हैं। पहले मैंने इसको ऊपर लेके गया, फिर मैं इसे नीचे लेके आया, ऊपर नीचे टू एंड फ्रो। अब वो कह रहे हैं रास्ते में फ्रिक्शन थी म्यू 0.15 है, आपको निकालना है फाइंड। अब ध्यान से, कई किस्म के वर्क डन है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, नहीं तो हर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वर्क डन बाय कौन सी फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है ओवर द राउंड ट्रिप, आने और जाने का। मुझे ये बताओ ग्रेविटी इस पर कौन सी फोर्स लगाती है? वेट एम जी लगाती है। एम जी के दो कॉम्पोनेंट्स हैं, एम जी कॉस, एम जी साइन है, और नॉर्मल रिएक्शन तो बैलेंस कर जाएगा एम जी कॉस को। तो फिर कौन सी फोर्स इस ब्लॉक को नीचे खींच रही है? एम जी साइन। तो ये फोर्स किसने लगाई? मैंने तो नहीं लगाई, किसने लगाई? ग्रेविटी ने लगाई। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो इसके ऊपर काम कर रही है वो एम जी साइन थीटा है, जिसको इंक्लाइन प्लेन के अलोंग नीचे लेके आ रही है। एक काम करते हैं, पहले ब्लॉक मान लो ऊपर जा रहा है और मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना काम करती है। बस मुझे ये बताओ, अगर ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? ऊपर। एम जी साइन थीटा कहाँ है? नीचे। मेरे दोनों हाथों में एंगल क्या है? 180। तो वर्क डन क्या होगा? एफ एस कॉस 180। कॉस 180 नेगेटिव है, नेगेटिव होगा। तो देखो पहला केस, मैंने वर्क डन कितना किया? पहली बात तो उसने थीटा निकाल लिया, 5.10 साइन थीटा हाफ करके थीटा 30 डिग्री आ गया। तो ऊपर जाने का वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स में एम जी साइन थीटा इंटू एल के आगे नेगेटिव क्यों लगाया? समझ में आ रहा है? क्योंकि एम जी साइन थीटा कहाँ पर है? नीचे लगती जा रही है, वो तो ऊपर लगेगी नहीं। और कोई कहेगा इसमें कन्फ्यूजन ये नहीं होती? कन्फ्यूजन इसमें ये होती है कि सर ये ब्लॉक ऊपर कैसे चला गया? मैंने कहा जी मैंने फोर्स लगाई। तो कहता है फिर आपने वो फोर्स क्यों नहीं ली? क्योंकि मेरे से पूछी नहीं, अप्लाइड फोर्स तो पूछा ही नहीं। अगर मेरे से पूछता कि वॉट इज वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स, फिर मैं कैपिटल एफ लेता। मेरे से पूछा ही नहीं, मेरे से पूछ रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना वर्क डन कर रही है। ग्रेविटी की फोर्स कभी भी ऊपर लग नहीं सकती, ग्रेविटी हमेशा बॉडी को नीचे ही खींचती है। तो ग्रेविटी की फोर्स क्या ली जाएगी? एम जी साइन थीटा, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, कॉस 180 हो जाएगा, इसलिए साइन नेगेटिव है। एम पता है, जी पता है, थीटा पता है, एल पता है, आंसर एक आंसर आ गया। फिर उसने कहा राउंड ट्रिप वापस लेके आना है। चलो वापस लेके आते हैं। जब ये ब्लॉक अब नीचे उतरेगा तो नीचे उतरने की फोर्स क्या है? फिर से एम जी साइन थीटा। ग्रेविटी की फोर्स तो एक ही है, एम जी साइन थीटा। डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर है? नीचे है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल क्या है? जीरो। जब नीचे उतर रहे हैं दोनों के दोनों नीचे हैं, तो एंगल क्या है? जीरो। तो वर्क डन क्या होगा? एम जी साइन थीटा जो भी होगा, एम जी साइन थीटा इंटू एल इंटू साइन कॉस जीरो। कॉस जीरो वन होता है, तो आंसर नेगेटिव की बजाय क्या जाएगा? पॉजिटिव। सही है। तो फिर जाने का वर्क डन नेगेटिव है, आने का वर्क डन पॉजिटिव है, नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या है? जीरो। तो राउंड ट्रिप में ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन क्या आएगा? जीरो। एक स्टूडेंट मेरे से बोला कि सर ये तो इतना लंबा करवा दिया आपने। मैंने कहा कैसे? वो कहता शॉर्टकट मारो ना सीधा। मैंने कहा क्या आपके माइंड में आ रहा होगा? डिस्प्लेसमेंट ले लो ना, टू एंड फ्रो है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो। तो वर्क डन क्या है? जीरो। गलत है, मत लगाना। ठीक है, ये वर्क डन ना वेक्टर नहीं है कि एक वेक्टर उधर घूम रहा था, एक वेक्टर इधर घूम रहा है, तुमने कैंसिल कर दिया। गलत। आपको गलत कैसे है? इसमें कोई कुछ गलती लगती नहीं मुझे। तो मैं कहा गलती नहीं लगती ना, तो एक चीज का आंसर दे फिर। क्या? व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन का आंसर दे। तो उसने कहा शॉर्टकट मारो, क्या टू एंड फ्रो में नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो। तो फ्रिक्शन का वर्क डन भी क्या आएगा? जीरो। आया ही नहीं जीरो, देख लो करके देख लो। ये देखो, ये वर्क डन जब एक ब्लॉक ऊपर जाएगा, फ्रिक्शन कहां काम करेगी? नीचे। लेकिन अब क्योंकि फ्रिक्शन का वर्क डन तो दुनिया में कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता,
क्योंकि फ्रिक्शन तो अपोजिंग फोर्स है, और अपोजिंग या फ्रिक्शन की फोर्स कभी भी पॉजिटिव नहीं होती। क्या शॉर्टकट कराया था फ्रिक्शन के वर्क डन का? माइनस एफ इन टू एल, और वापसी के अंदर भी माइनस एफ इन, ये तो प्लस हो ही नहीं सकता ना। क्यों? क्योंकि जब ये बॉडी नीचे उतर रही है फ्रिक्शन का है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट का है नीचे, और जब ये बॉडी ऊपर जा रही है फ्रिक्शन का है नीचे, डिस्प्लेसमेंट का है ऊपर, हर वक्त ही एंगल 180 बनाएगी। तो फ्रिक्शन का वर्क डन कभी पॉजिटिव नहीं होगा, इसलिए जब ऐड करोगे आंसर माइनस टू टाइम हो जाएगा। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होती है? म्यू टाइम एम जी कॉस थीटा, आंसर आएगा जीरो नहीं आएगा। जो लोग वो कॉन्सेप्ट लगाते हैं नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो कर दो, उन्हीं के लिए तो ये क्वेश्चन बनाया गया कि भाई जीरो मत कर देना, ये कॉन्सेप्ट मत लगाना, जाने का अलग निकालना, आने का अलग निकालना, बात खत्म हो जाती है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहाँ तक? अब इसके अंदर बी पार्ट था, व्हाट इज वर्क डन बाय, कौन सी फोर्स है? अप्लाइड फोर्स है। तुमने कितनी फोर्स लगाई? अप्लाइड फोर्स कौन लगाता है? वो हम लगाते हैं। और कब? जब बॉडी को कहाँ लेके जा रहे हैं? ऊपर। जब बॉडी को ऊपर लेके जा रहे हैं तो अप्लाइड फोर्स कहाँ है? ऊपर। एम जी साइन थीटा कहाँ है? नीचे। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ है? नीचे। तो अगर ये बॉडी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, क्योंकि क्वेश्चन में एक्सेलरेशन मेंशन नहीं है, तो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो कैपिटल एफ किसके इक्वल है? एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन। तो कैपिटल एफ की वैल्यू एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन है। और कहाँ लगा रहा हूँ मैं अप्लाइड फोर्स? ऊपर। डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ है? ऊपर। तो अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल क्या बनेगा? जीरो। तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा, एफ एस कॉस जीरो। तो अप्लाइड फोर्स इंटू एल, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? म्यू टाइम एम जी कॉस थीटा। तुम्हें सारी वैल्यूज पता, आंसर आएगा। आंसर की बात नहीं है, कॉन्सेप्ट की बात है, कब कौन सी फोर्स लगा रहे हैं। समझ में आ रहा है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? ये वाला अप्लाइड फोर्स कहाँ है? ऊपर। वो देखो डायग्राम में कैपिटल एफ, जब आप ऊपर खींच रहे हो तो फ्रिक्शन कहाँ है? नीचे। एम जी साइन थीटा तो वैसे नीचे है, और बॉडी अगर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो कैपिटल एफ किसके इक्वल है? एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन। तो आपकी अप्लाइड फोर्स तो यही बन गई ना, बस इंटरवल। फिर क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ द ट्रिप? बॉडी ऊपर गई, बॉडी नीचे आई, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी? अब एक स्टूडेंट कहता है काम करते हैं, मैंने कहा क्या? कहता है वही फोर्स का चैप्टर खोल के बैठ जाओ। मैंने कहा उसमें क्या था? कहता है इंक्लाइन प्लेन के आपने क्वेश्चन करवाए थे, यू इज इक्वल टू जीरो ले लो, फिर बॉडी नीचे आ रही है तो एक्सेलरेशन ले लो, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, हमने किए थे इंक्लाइन प्लेन फ्रिक्शन के साथ। काइनेमेटिक्स लगा लो, फिर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू एस से तुम वी निकाल लो, फिर हाफ एम वी स्क्वायर से एनर्जी निकालो। बिल्कुल सही है, बहुत लंबा है, मतलब ठीक है मैंने खुद ही करवाया, लेकिन आज मैं खुद कह रहा हूँ बहुत लंबा है, ऐसा नहीं करना। वर्क डन के केस में छोटा रास्ता है कि क्या? वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? कि अगर आपको क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज होता है वो अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय नेट फोर्स है। अंडरलाइन करवाया था, नेट फोर्स है। अब जो अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय नेट फोर्स है वो किसके इक्वल है, वो अगर पता लग जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो सोचो जब ये बॉडी नीचे उतर रही है, तो जब ये बॉडी नीचे उतर रही है तो ऐसे इमेजिन करना है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो। फाइनल क्या है? वी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है? इस अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय नेट फोर्स, ये लिख लो यहाँ पे इक्वेशन, ये लिख लो, नहीं तो आप यहाँ मैंने शॉर्टकट मारा हुआ कंफ्यूज हो सकते हो, ये लिख लो डायग्राम बना के। मैंने ये लगाया है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज वर्क डन बाय नेट फोर्स, याद रहेगा आपको डायग्राम के साथ। और ये मैंने इक्वेशन कौन सी लगाई है? दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो इसमें अब ये बताओ नेट फोर्स क्या है? नेट फोर्स क्या है? नेट फोर्स, अब तुम अपनी अप्लाइड फोर्स की बात को तो छोड़ ही दो ना,
आप ये बताओ कि जब ये बॉडी नीचे उतरेगी तो कौन इसको नीचे लेके आएगा, एम जी साइन थीटा, और कौन अपोज करेगा, फ्रिक्शन। तो नेट फोर्स, क्योंकि बॉडी नीचे उतर रही है तो एम जी साइन थीटा बड़ा होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से, तो एम जी साइन थीटा माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नेट फोर्स। तो एम जी साइन थीटा नीचे की फोर्स माइनस पीछे की फोर्स, नेट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि नेट फोर्स कहाँ करेगी, नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ होगी, नीचे, तो वर्क डन क्या होंगे, पॉजिटिव। तो ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो आपको इसमें एम पता है, जी पता है, थीटा पता है, म्यू पता है, सब कुछ पता है आंसर। तो आइडिया समझ में आ रहा है, इस क्वेश्चन करवाने का एक ही मकसद है कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम किस केस में कौन से वर्क डन अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ चेंज करता रहेगा, कभी वो वेलोसिटी पूछ लेगा, कभी वो वर्क डन बाय फ्रिक्शन पूछ लेगा, कभी नेट फोर्स पूछ लेगा, कभी अप्लाइड फोर्स पूछ लेगा, वहाँ कन्फ्यूजन हो सकती है। तो ये एग्जाम्पल बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है जो हर चीज़ को क्लियर कर रहा है।